नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 24 अक्टूबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। रेलवे में 3282 पदों पर निकाली गई रिक्तियां। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी। साउथ वेस्टर्न रेलवे और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने 3282 पदों पर बंपर रिक्तियां निकाली है। साउथ वेस्टर्न रेलवे ने 386 पदों पर बंपर वैकेंसी निकाली है, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के तहत 2590 पदों पर भर्तियां निकाली है। इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए 306 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। आपको बता दें, साउथ वेस्टर्न रेलवे द्वारा बहाल की गई रिक्तियों पर 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन भर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए 11 नवंबर तक आवेदन भर सकते हैं। आरक्षण मुद्दे पर बोले उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में संत रविदास जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरक्षण मुद्दे पर कहा है कि जब तक समाज में भेदभाव रहेगा, तब तक आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। आरक्षण की प्रथा आने वाले 50 साल से ज्यादा समय तक चलती रहेगी। हालांकि बिहार सरकार प्रमोशन में आरक्षण देने की पक्षधर है। एमपी फंड से होने वाले कार्यों की होगी जमीनी स्तर पर वेरिफिकेशन। एमपी फंड से होने वाली योजनाओं का जमीनी स्तर पर बाहरी एजेंसी वेरिफिकेशन करेगी। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार जांच की प्रक्रिया के लिए एजेंसी को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें, बिहार के 15 जिलों के 35 सांसदों की योजनाओं की जांच बाहरी एजेंसी करेगी। बाहरी एजेंसी से जांच कराने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने राज्य सरकार को पहले ही सूचना दे दी है। त्योहारी सीजन में ट्रेन से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। फेस्टिवल के इस मौसम में दिल्ली, पुणे, दुर्ग और अहमदाबाद सहित कई शहरों में बिहार आने जाने के लिए रेलवे ने 53 ट्रेनों की व्यवस्था की है, जिसमें पटना और दानापुर के लिए कुल मिलाकर 13 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। गया के लिए 4, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जयनगर और सहरसा के लिए 17, बरौनी के लिए 6, पूर्णिया, जोगबनी और कटिहार के लिए 4, भागलपुर के लिए 6 सीधे तौर पर चलाई जाएंगी। एसएससी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा की 2019-20 का नोटिफिकेशन हुआ जारी। एसएससी ने सीजीएल परीक्षा साल 2019-20 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी अधिसूचना के मुताबिक एएससी टीयर 1, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए अलग अलग मंत्रालयों में खाली पद को भरने के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक भर सकते हैं। अनट्रेन प्रारंभिक शिक्षकों की सेवा जल्द होगी समाप्त। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के लिए अहम फैसला लेने जा रही है। फैसले के मुताबिक बिहार में अनट्रेन प्रारंभिक शिक्षक सरकारी स्कूलों में अब नहीं पढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। हालांकि विभाग के इस फैसले से कई शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह ने इस बाबत रिपोर्ट देने का आदेश दिया है कि 1 अप्रैल 2019 के आदेश के पश्चात कितने ग्रेजुएट शिक्षकों को हटाने पर काम किया गया है। राबड़ी आवास पर होगी राजद की अहम बैठक। 25 अक्टूबर को राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड में राजद की बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। राजद के इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी जगदानंद सिंह, तेजस्वी यादव, प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे शामिल रहेंगे। खबरों के अनुसार बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। बिहार के लगभग 11 जिलों में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया हुई शुरू। पटना समेत लगभग 11 जिलों में खान एवं भूतत्व विभाग ने बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ज्ञात हो, इन सभी जिलों में बालू घाटों की नीलामी की वैधता 5 वर्षों के लिए होगी। खान एवं भूतत्व विभाग के फैसले में एनजीटी ने भी अपनी सहमति जताई है और विभाग को आगे का काम करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, 11 जिलों में पटना, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, गया, जमुई, लखीसराय, बांका, भागलपुर व जहानाबाद है, जहां बालू घाटों की ई नीलामी होनी है। 48 घंटे में बदली गई घाटों की स्थिति। पटना में हुए जलजमाव के बाद घाटों की बदली सूरत को 48 घंटे में सुधार दिया गया है। दिन रात घाटों के मरम्मत में लगी टीम ने लगभग 70% काम पूरा कर दिया है, जिसके बाद छठ के शुभ अवसर पर जेपी पुल से बीच जैसा नजारा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सेतु के अलावा जनार्दन घाट, मीनार घाट, शिवा घाट, पाटलिपुल घाट और वॉच टावर के साथ पार्किंग, चेंजिंग रूम के लिए जगहों को निर्धारित कर बांस बल्ला बांध दिया गया है। वहीं पानी में बल्ला लगाने का काम शुरू हो चुका है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में पाठ्यक्रम के अंदर से ही पूछे जाएंगे प्रश्न। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के मद्देनजर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को परीक्षा संबंधित निर्देश जारी किए हैं। प्रश्नों के पैटर्न पर बोर्ड ने यह साफ कहा है कि हर चैप्टर के बाद जो प्रश्न दिया जाता है, उन प्रश्नों के अलावा चैप्टर के अंदर से भी सवाल पूछे जाएंगे। आउट ऑफ सिलेबस की अफवाहें ना हो, इसीलिए इस बार परीक्षा शुरू होने से पहले सभी स्कूलों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड में पूछे गए सारे प्रश्न एनसीईआरटी से ही होंगे, दूसरे पब्लिकेशन से नहीं।
27,000 साक्षरता केंद्रों का सोशल ऑडिट होगा जल्द। बिहार में पहली बार किसी शैक्षणिक योजना का सोशल ऑडिट कराया जा रहा है। महादलित, दलित और अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना के तहत बिहार के लगभग 27,000 से अधिक साक्षरता केंद्रों का सोशल ऑडिट करवाया जाएगा। ऑडिट के जरिए शिक्षा विभाग साक्षरता केंद्रों के संचालन में सालाना 250 करोड़ खर्च करने के बाद केंद्रों में सुधार न होने के कारणों का पता लगा पाएगा। आपको बता दें, इन केंद्रों का संचालन महिला साक्षरता में सुधार के लिए भी किया जा रहा है। 2024 तक बन जाएगा गांधी सेतु के समानांतर एक नया पुल। राजधानी में महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले नए पुल का निर्माण कार्य 2023 तक पूरा करना था, मगर एक साल देरी से टेंडर जारी होने के कारण निर्माण की नई डेडलाइन 2024 तक निर्धारित की गई है। आपको बता दें, इस पुल की लंबाई 5.634 किलोमीटर है, जो कि 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के लिए घोषित किए गए पैकेज का अहम हिस्सा है। ज्ञात हो, इस पुल के निर्माण में 2,926.42 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। छठ के शुभ अवसर पर पटना वालों को सेब और नारियल मिलेंगे सस्ते में। छठ पर्व के शुभ उपलक्ष पर अक्सर फलों के दाम आसमान छूते नजर आते हैं, मगर इस साल छठ के दौरान नारियल और सेब में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। दरअसल बिस्कोमान द्वारा कश्मीर से सेब के आयात के बाद से सेब अब 75 रुपए किलो मिलेंगे। वहीं बिस्कोमान ने आंध्र प्रदेश से 30 ट्रक नारियल भी मंगाया है। यह नारियल पटना में 25 रुपए प्रति पीस बिकेगा। जदयू दिल्ली में किस्मत आजमाने की कर रही है तैयारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए चुनाव प्रचार आरंभ कर चुके हैं। दिल्ली के बिहारी बहुल बदरपुर में उनके कार्यकर्ता शिविर का आयोजन हुआ था। खास बात यह है कि बिहार में राजग लोजपा और भाजपा के साथ लड़ रहा जदयू दिल्ली में भाजपा के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को उतारने जा रहा है। आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों पर जदयू अपने उम्मीदवार उतारने जा रहा है। जल जमाव वाले इलाकों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश। भारी बारिश से प्रभावित इलाकों में हुए जल जमाव के मद्देनजर आला अधिकारियों की टीम समीक्षा करने उन सभी प्रभावित क्षेत्रों में जाएगी जहां रिकॉर्ड तोड़ जल जमाव से लोग बेहाल थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जल जमाव मामले की जांच के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति स्थल जांच शुरू करेगी। सबसे पहले कमेटी जांच के लिए राजेंद्र नगर पहुंचेगी और सैदपुर संप हाउस से जांच शुरू करेगी। इसके बाद प्रेमचंद रंगशाला में वह लोगों को भी अपना पक्ष रखने का मौका देगी। मधुबनी जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थल पर जरूर भ्रमण करने जाएं। मधुबनी जाने वाले लोग इन मशहूर धार्मिक स्थलों पर भ्रमण करना ना भूलें। सौराठ, नौलखा महल, कपिलेश्वर मंदिर, उग्रनाथ महादेव जरूर घूमने जाएं। इसके अलावा भगवती स्थान, उच्चैठ भी जरूर जाएं। पटना से मधुबनी जाने के लिए बस और ट्रेन दोनों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ट्रेन से जाने वाले यात्रियों को लगभग 9 घंटे का सफर करना होगा, वहीं बस से जाने वाले यात्रियों को भी 9 घंटे का सफर करना होगा। सोनपुर मेले में बनाए गए स्विस कॉटेज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के एक अधिकारी ने बताया कि पर्यटकों के लिए पर्यटक ग्राम बनाया जा रहा है, जिससे स्विस कॉटेज बनाए गए हैं। इसका परिवेश भले ही ग्रामीण है, मगर अंदर में सुविधाएं हाईटेक होंगी। आपको बता दें, पर्यटन विकास निगम ने लगभग 20 स्विस कॉटेज का निर्माण करवाया है, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। कन्हैया कुमार ने नीतीश कुमार को बचकर चलने की दी नसीहत। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 80वें स्थापना दिवस पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को सतर्क रहने की नसीहत देते हुए कहा है कि बीजेपी अक्सर अंत में आकर धोखा देती है। भले ही अमित शाह ने यह कह दिया हो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, पर फिर भी उनका यही मानना है कि अंततः बीजेपी जदयू को धोखा देगी ही देगी। हाईस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति पर शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट की मांग की। शिक्षा विभाग ने हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी रिपोर्ट की मांग की है। इस मुद्दे पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद कुमार सिंह ने सभी डीपीओ को पत्र भेजकर कहा है कि छठे चरण के तहत शिक्षक नियोजन की पूरी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द सौंपे। आपको बता दें, अभी सभी हाई स्कूलों में लगभग 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है और नवम्बर के अंत तक सभी नियोजन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। मुंगेर, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, रोहतास में दिन भर बादल छाए रहेंगे, साथ ही बूंदाबांदी होने के भी आसार हैं। वहीं अररिया, औरंगाबाद, बांका, भोजपुर में दिन भर बादल छाए रहेंगे। बक्सर, ईस्ट चंपारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सिवान में हल्के धूप के साथ बादल का आना जाना लगा रहेगा। तो वहीं जमुई, जहानाबाद, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल में अधिकांश बादल छाए रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। एफसीआई ने निकाली बंपर भर्तियां। एफसीआई में मैनेजर जनरल, डिपॉट, मूवमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग,
इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैनेजर हिंदी के लिए 330 पदों पर बंपर रिक्तियां निकाली गई हैं। इन पदों पर सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को पहले 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिस दौरान उन्हें 40,000 रुपए हर महीने स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। 6 महीने के बाद अभ्यर्थियों को 40,000 से 1,40,000 रुपए का पे स्केल दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भरने के लिए fci.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन भरने की आखिरी तारीख 27 अक्टूबर है। दिवाली से पहले किसानों को सरकार दे सकती है तोहफा। दिवाली आने में महज कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में सरकार ने भी किसानों को तोहफा देने की तैयारी कर ली है। सरकार फसलों की बुआई से पहले सरकार सीजन के प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में वृद्धि की घोषणा कर सकती है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चालू फसल वर्ष 2019-20 की आगामी रबी सीजन के फसलों का एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया जा सकता है। टेस्ट रैंकिंग में रोहित शर्मा ने बारी माजी तो विराट फिसले नीचे के पायदान पर। आईसीसी ने अपनी टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें पहली बार ओपनिंग टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 500 से ज्यादा रन बनाने के साथ आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद रोहित शर्मा टॉप 10 में शामिल हो गए हैं। तो वहीं कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट रैंकिंग में अपने ठीक ठाक प्रदर्शन के साथ और नीचे लुढ़क गए हैं। कांग्रेस नेता मदन मोहन झा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बिहार उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने में लगे पड़े हैं। इसी बीच बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि उपचुनाव में बिहार महागठबंधन एकजुट रहा, मगर एनडीए में ज्यादा दरार दिख रही थी। पिछले दरवाजे से आने वाली सरकार के पास नैतिकता नहीं बची है। शिवानंद तिवारी ने राजनीति छोड़ने का किया फैसला। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने अपने फेसबुक से पोस्ट करते हुए यह जानकारी दी है कि वह अब राजनीति त्याग रहे हैं। शिवानंद तिवारी के इस घोषणा से राजद को बड़ा झटका लगा है। अपने जारी किए गए पोस्ट में शिवानंद ने लिखा है कि मैं अब थकान अनुभव कर रहा हूं। शरीर से ज्यादा मन की थकान है। संस्मरण लिखना चाहता था, लेकिन वह भी नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जो कर रहा हूं उसे छुट्टी पाना चाहता हूं। उन्होंने अपने बयान में आगे लिखा है कि संस्मरण लिखने का प्रयास करूंगा, लिख ही दूंगा ऐसा भरोसा भी नहीं है, लेकिन प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।